हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो चैनल पे नए हो तो बिक्का व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब से लाइक कर देना और बेल आइकन को दबा देना गाइस। तो गाइस, आज हम उबड़ी उपाड़ने वाले हैं, उबड़ी बनाने वाले हैं। तो आपको आज की तैयारी दिखा देता हूँ बैक कैमरे से। गाइस ये देखिए, अक्षय की मॉम हाई कर दो। तो उबड़ी बनाने वाली है अभी। ये वो मूँगफली के दाने हैं ना, कच्चे वो लाई है। तो ये मटका इधर धो के रेडी रख दिया है। ये देखिए, हम इधर बनाने वाले हैं, इधर गाइस उबड़ियो, इधर मटका रखेंगे। और ये हम कलर बोलते हैं कलर गाइस, ये कलर है ना, वो ये मटका है ना, उसमें डालेंगे। तो अभी तो सब सब्जी अक्ष की बुआ है ना, वो धो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अक्ष की बुआ इधर वो उबड़ियों के लिए सब्जी लाए है ना, वो अभी धो रही है। ये बैगन अभी धो रही है इधर, तो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये धनिया है और ये बड़ा वाला बैंगन है और ये छोटे वाले बैंगन और ये पपड़ी है। ये देखिए, और ये आलू भी लाए हैं, सब धो लेंगे। फिर ये शकरकंद भी लाए हैं गाइस उबड़ी में डालने के लिए, और ये कॉर्न भी लाए हैं देखिए। हुई है ये रही, हाय कर दो अक्षु, अक्षु हाय कर दो, हाय हाय कर रही है गाइस। और ये रही अक्षु की मॉम गाइस, वो मूंगफली के दाने थे ना, सिंग दाने बोलते हैं ना गाइस, वो पीस लिए अभी मिक्सर में। ये देखिए, ये देखिए, ये उबड़ी बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अभी धनिया की सफाई हो रही है। ये देखिए अक्षु के मॉम और अक्षु की बुआ इधर पपड़ी लेके बैठी हुई। हाय कर दो अक्षु की बुआ, हाय। ये देखिए, ये पपड़ी, इसको कैसी पपड़ी बोलते हैं? कतरगाम की पपड़ी ली है गाइस उबड़ी बनाने के लिए। ये देखिए, देखिए गाइस, धनिया की कटाई हो रही है डालने के लिए मसाले में गाइस। तो आज तो मजा आने वाला है उबड़ी खाने का गाइस। ये देखिए, धनिया पीस रही है अक्षु की मॉम गाइस। ये देखिए, तो गाइस ये देखिए अक्षु भी आई है, उबड़ी पका रही है। देखिए इधर धनिया के वो है ना, निकाल दिए छिलके, वो अभी ले रही है। देखिए गाइस, ये देखिए अक्षु के मॉम ने ये धनिया अभी पीस लिया। ये देखिए, और अक्षु की बुआ ने ये रही पपड़ी इतनी छिल ली है। देखिए, और अक्षु भी आई है गाइस। ये देखिए उबड़ी बनाने के लिए, ये रही मटका लेके बैठी हुई है अक्षु। तो आपको बैक कैमरा से दिखा दे हूँ। ये देखिए अक्षु मॉम के पास चम्मच मांग रही, मटके में डालती थी अक्षु ने। अभी बुआ ये पपड़ी छील रही है। देखिए, तो गाइस इस पपड़ी में मसाला भरेगी अक्षु की मॉम और अक्षु की बुआ।
ये देखिए ये क्या लाई, साला तैयार किया था ना वो मिर्च है, हरी मिर्च और अदरक है गाइस इसमें पेस्ट। और ये वो मूंगफली के दाने थे ना सिंग दाने, उसको भी पीस लिया था। ये देखिए तो अभी अक्सु की मम मसाला तैयार कर रही है। तो गाइस आज तो हम गर्मा गर्म बड़ी खाने वाले हैं, ये देखिए मजा आने वाला है गाइस। आज तो अभी इसमें धनिया में धनिया और मिर्च मिक्स किया अक्सु के मॉम ने इधर, ये देखिए, और अदरक भी डाली हुई है पीस रही है, और अक्सु इधर घूम रही है। ये देखिए ये बड़ा सा बैंगन ले लिया अक्सु ने। ये शकरकंद मेरा फेवरेट है, मेरे को पक्का नहीं पता, मैं तो कच्चा ही खाता हूँ। तो अभी ट्राई कर रहा हूँ गाइस। अक्सु की बुआ और अक्सु की मम अभी मसाला रेडी कर रही है उबड़ी में डालने के लिए गाइस। अक्सु वहाँ बुआ के साथ बातें कर रही है, देखा तो गाइज इसमें सभी वो मसाले डाले हैं, कौन कौन से डाले हैं अक्सु की मॉम? हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला। तो गाइज इसमें हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर और वो अदरक भी डाला है गाइज पेस्ट में। और इधर लाल भाई भी आ चुके हैं हमारी पार्टी में, देखिए इधर ये रहे। तो गाइस मैं अभी तेल लेके अक्सु की मॉम को देता हूँ। इसमें क्या है? अजवाइन। अजवाइन है तो गाइस अजवाइन भी डाली जाती है मसाले में, ये देखिए। तो आगे ब्लॉग में बने रहना, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। ये गाइस कौन ले लिया अक्सु की मॉम ने, ये देखिए वो भी काट रही है कौन। तो गाइस ये कौन को छीन लिया है अक्सु की मॉम, ये देखिए।
गाइस अभी ये सब्जी में मसाले डाल रहे हैं, देखिए मसाला तैयार किया ना वो, अभी ये बैंगन में भर रहे हैं, देखिए मसाला भरना होता है गाइस। ये देखिए इधर वो अक्षु की बुआ भी भर रही है मसाला, देखिए तैयार किया वो, ऐसे भरना होता है गाइस। मैंने इधर लाइट लगा दी, ये देखिए ये उबड़ी में मसाला डाल दिया है, देखिए। तो गाइस अंधेरा होने वाला था ना, तो इसलिए मैंने इधर लाइट लगा दी, देसी जुगाड़ कर दिया गाइस। और अभी मैं ये अभी जो मसाला भर दिया है गाइस इस सब्जी में सब, तो अभी मैं इसमें मटका लूंगा और मटके में ये सब रखूंगा गाइस, वो कलर बोलते हैं ना वो, उसमें मैं डालूंगा, फिर ये सब सब्जी रख दूंगा गाइस। तो आपको आगे दिखाता हूँ। तो गाइस ये मटका है, ये मटका ले लिया है हमने, तो ये सब सब्जी में अभी मसाला मिक्स किया है ना, तो ये कलर अभी हम मटके में डालेंगे, फिर इसमें सब्जी डालेंगे। तो आपको ये डाल के दिखाता हूँ मटके में। सब्जी में डाल रहा हूँ, ये देखिए इसमें।
और ये पपड़ी भी डाल देता हूँ गाइस, ये रही पपड़ी। तो गाइस ये देखिए, ये मैंने कलर से मटके को पैक कर दिया है और इधर अभी हम रखेंगे। और ये रख दूंगा ऐसे, ये छाने बोलते हैं ना गाइस, ऐसे रख देने का। तो गाइस ये देखिए, इधर मैंने मटका रख दिया और उसे छाने से भी ढक दिया गाइस। तो अभी मैं इसे आग लगाऊंगा इधर और उसे पकने के लिए रख दूंगा। तो आगे व्लॉग में बने रहना, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये गाइस इधर मैंने जला लिया, ये देखिए। गाइस ये देखे, अभी भी इधर जल रहा है और अभी काफी टाइम इधर पकने के लिए रखने पड़ेगा गाइस। अभी लगाई है आग तो इधर वो पकने रखा है गाइस, उबड़ियो तैयार हो होने के लिए रखा है गाइस। तो आपको आगे दिखाऊंगा, तो आगे आप व्लॉग में बने रहना गाइस, तो आपको पूरा दिखाऊंगा कैसा उबड़ियो बना और कैसा टेस्ट है गाइस। तो अभी अक्सु इधर बुआ के साथ बैठी हुई है, ये रही गाइस, वो भी वेट कर रही है उबड़ियो का कैसा लगता है, वो उसको भी चखने के लिए देंगे हम गाइस कैसा है वो। तो वो आगे ब्लॉग में बने रहना गाइस, आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसा उबड़ियो बना है आज। तो गाइस ये देखिए पीछे, ये रेडी हो चुका है उबाड़ियो। तो आपको मटके में से अभी निकाल के दिखाता हूँ आगे।
तो गाइज ये देखिए, ये उबाड़ू रेडी हो चुका है और अभी हम सब खाने वाले हैं। ये देखिए बढ़िया है, गर्मा गर्म। ये देखिए अभी सब खाने लगे हैं। ये अक्षु की बुआ तो खाने भी लगी गाइज, ये देखिए बढ़िया है। गाइस ये देखे सब अभी उबड़ी खाने लगे हैं। देखे तो मैं भी कंप्लीट कर लेता हूँ गाइस। तो गाइस ये देखे, ये डिश रेडी हो चुके हैं। इसमें उबड़ी भी डाल दिया है गाइस, और ज्वार का रोटा लिया है, और ये बैंगन का भरता बनाया है, और ये छाछ है गाइस। तो आज तो मजा आने वाला है गर्मा गर्म खाने का। तो गाइस ये मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। गाइस ये पपड़ी मैंने ली है, ये देखिए। तो गाइस बढ़िया लग रही है उबड़ियों की पपड़ी। और ये आलू भी ले लेता हूँ गाइस, ये देखिए गर्मा गर्म बढ़िया स्वाद आ रहा है गाइस। ये देखिए आलू बढ़िया लग रहा है गाइस। तो गाइस आज का व्लॉग बस इतना ही था। तो आपको उबड़ियों की रेसिपी कैसी लगी? आज उबड़ियों हमने बनाया था, गर्मा गर्म खाया, बहुत बढ़िया लगा गाइस। तो आज का व्लॉग बस इतना ही था। तो चैनल पे नए हो तो बीका व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, और बेल आइकन को दबा देना गाइस। बाय।